ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का बसमिल्ल रहीक नाजरीन मैं हूं वसीम अहमद और आप देख रहे हैं खिलाफत फोरम मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं अशके रसूल मुमताज़ कादरी के वकील जनाब जस्टिस रिटायर्ड मियां नजीर अख्तर साहब उनके साथ तशीफ रखते हैं मोहरम जिला मिर्ज़ा बेग साहब आप नाजि हैं शुब नश्वशाह तंजीम इस्लामी के नाजरीन पूरी पाकिस्तानी कौम आजकल अप्रेशन ज़रबाज नाइन जीरो पर छापे के हवाले से नित नए नए, नए इनकशाफ़ा योम पाकिस्तान परेड और क्रिकेट वर्ल्ड कप बुखार में मुबतला रही है लेकिन इस दौरान एक इंतई अहम डेवलपमेंट हुई जो मीडिया पर हाई लाइट ना होने की वजह से अवाम की नज़रों से उजल रही शायद आपको याद आ जाए कि हाईकोर्ट ने सलमान तसीर कतल केस में मुमताज़ कादरी को सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है नाजरीन तोहन रसालत का कानून जिसे पाकिस्तान का सेक्कुलर तबका इस्लाम दुश्मन क़वतों की डिक्टेशन पर ख़त्म करवाना चाहता है और मलूना आसिया बीवी केस के बाद इस कानून के खात्मे के लिए मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया गया था लेकिन दीनी जमातों के ज़बरदस्त दबाव और सलमान तसर के कत्ल की वजह से वक्ती तौर पर यह तूफ़ान दब गया था यही तबका आज भी पाकिस्तान से तोह रसालत का कानून ख़त्म करवाने और मुमताज़ कदरी को सजाए मौत दिलवाने में पेश पेश है नाजरीन हम आज खिलाफत फ़ोरम के इस खसूस प्रोग्राम में मुमताज़ कादरी केस के अहम पहलुओं और पाकिस्तान में तोह रसालत के कानून दो सौ पचानवे सी की ज़रूरत और अहमियत पर गुफग करेंगे आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जस्टिस साहब ये फरमाइए कि सलमान तसीर कत्ल केस में मुमताज़ का को हाईकोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी है कानून के नुक नज़र से ये फरमाइए कि ये फैसला आइन कानून और शरीय के तमाम तकाज़े पूरे करता है या इसमें कोई सकून मौजूद है बसमिलीम अल्ला सैदिन सैदिनद मबारक वसल ये जो सवाल आपने किया है इसका तफसीली जवाब देना तो मुमकिन नहीं क्योंकि वो सारी बातें बारिकियाँ या जो कुछ सुकम हम समझते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमने पेश करने हैं यानी जब आप अपील फ़ाइल करेंगे जी इस केस की आगे फर्द इसकी अपील की तैयारी शुरू है जी इसमें इब्तदा में, में मुमताज़ कादरी साहब तो ख़ुद अपील करने के लिए भी आमादा नहीं थे लेकिन फिर उनको कुछ लमा मिले उन्होंने वाज किया कि इस केस में जो फैसला आया है उसमें शरीयत की बहुत सी बातें ठीक नहीं बयान की गई तो उन्होंने उन्हें समझाया कि यह फैसला आपकी ज़ात का नहीं अब ये उम्मत का केस है कि वो उसको चैलेंज करें इसलिए वो आमादा हुए उन्होंने फिर वक़ालतनामा दिया और अपील की तैयारी जारी है इस केस में एक जो बड़ी अहम बात अदालत ने की और वो बहुत अच्छी है कि दहशत गर्दी की दफ़ा सात में भी जो सज़ा दी गई थी उसको ख़त्म कर दिया और उसमें मुमताज़ कदरी को बरी कर दिया गोया अब उसकी से दहशत गर्दी का धब्बा तो धो दिया गया है और उसके नतीजे में लेकिन दस्टर साहब उस पर सज़ाए मौत तो बरकरार है ना जी जी तो रिलीफ क्या मिला देखिए रिलीफ इस हद तक तो यकीन है ना कि अब उसको कोई दहशत नहीं कह सकता और उसकी तारीफ़ में जितने अच्छे जुमले कोई बोले उसे आशिक रसूल कहें उसे मुजाहिद आजम कहें उसे और किसी अच्छे लकब से याद करें तो उस पर कोई नया पर्चा नहीं बनेगा वरना तो मौजूदा कानून में किसी ऐसे शख़्स को जो दहशतगर्दी की किसी दफ़ा में सजा पाए ग्लोरीफाई करना भी एक जुर्म बना दिया गया सो इस हद तक तो रिलीफ है जी अब सज़ाए मौत दफ़ा तीन सौ दो के तहत कायम रखी गई है उसको चैलेंज करने के लिए हमने अदालत में तकरीबन बीस के करीब अहम नुकात उठाए थे इस फैसले में जो हमें एक यानी गिला है कि वो हमारे दलाइल पूरे भी दर्ज नहीं हैं और कुछ दलायल जिस अंदाज में हमने पेश किए उस तरह से वो तहरीर भी नहीं हुए शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू अदालत ने उस अंदाज में नहीं लिया जिस तरह आप पेश करना चाह रहे थे जी हाँ ये जी। हमने महसूस किया फैसले में ये फील हुआ आपको जी जी जी, जी। कि ये जो कई दलाइल मुमकिन है कि एक माह तख़िर से जो फ़ैसला आया है उस दौरान कोई बातें हाफजे से मैं हुई हूँ वो नेक नेकनीयति से उन्होंने जो भी किया है तो हम ये बातें सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट करेंगे ठीक देखिए फ़ैसले में जज साहिबान ने कई बातें जो हैं बड़ी अहम थी उनके बारे में जो फ़ैसला दे दिया है वो शरीयत की बाज बातों को सही समझ नहीं पाए थे अच्छा और शर्य तकाजे पूरे नहीं कर रहा शर्य तकाजे बिल्कुल पूरे नहीं कर रहा uh -huh. और इसीलिए दो अहम बातें सामने आई पिछले दिनों तकरीबन एक हफ़्ता पहले मिली मजलिस शरी ने अपना एक इजलास मनकद किया था <coughs> जिसमें मुझे भी शमूलियत की दावत दी गई और मैंने उस फ़ैसले के जो अहम हिस्से हैं वो आ, उन सब के सामने पेश किए उसमें तमाम मसाल के नुमाइंदे मौजूद थे तमाम जमातों कीमाय कराम की, की नुमाइंदगी थी तो उन्होंने मुश्तरक ये फ़ैसला किया कि ये जजमेंट हाई कोर्ट की शरीयत और इस्लामी अकामात के ख़िलाफ़ है अब इसी तरह आपके शायद इल में होगा कि लाहौर के एक मुमताज़ आलम दीन खलीलान कदरी हैं उन्होंने इस केस का जायज़ा सुन्नत की रोशनी में लिया जी। और सोलह सफहत में उन्होंने अपनी आ, राय का या फेयर कमेंट्स का इज़हार किया है ठीक उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सरकार सल की हयात पाक में एक दर्जन के करीब वाक़ ऐसे हुए जिसमें सहाबा कराम ने अज खुद कार्रवाई करके किसी शातम रसूल को मार दिया बाज में मर्द हैं बाज में औरतें हैं तो वो मामला जब सरकार की बारगाह में पेश किए गए तो आपने मारने वाले के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया और जो मकतूल की तरफ़ से किसास या दियत का मुतालबा किया गया उसको आपने रद्द फरमाया और कहा कि मरने वाले या मरने वाली का खून हदर है अब ये फैसले जो हैं सरकार की सन्नत पाक को बयान करने वाले और हमारा तो नुक़ नज़र ये था कि हुजूर का जो उस हसना है वो मुख्तलिफ जहतों से ज़ाहिर होता है कहीं पर आप का उसवा हसना एक ताजर की हैसियत में सामने आता है कहीं एक मिसाली शौर की सूरत में कहीं एक मिसाली हाकम वक्त की सूरत में कहीं मिसाली जर्नेल या कमांडर इन चीफ़ की सूरत में कई मिसाली जज की हैसियत ये सब जहतें जो हैं उनमें जो जो आपके फ़ैसले हैं उनसे सुन्नत पाक का तयन होता है लेकिन इस फैसले में जो लिखा गया है कि ये आपकी बाज़ अहम हैसियतें थीं आप उस वक्त हाकिम भी थे चीफ़ एग्जिव भी हैं ये लफ्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं जी कमांडर इन चीफ भी हैं चीफ जस्टिस भी हैं तो वो गोया उनको ये हक हासिल था तो उन्होंने उसकी तोसीक़ कर दी और उससे मफहूम ये मुतरश होता है कि गोया ये आपकी सुनत नहीं है कि बाद में लागू हो ये बड़ी हैरान कन बात ये तशरी जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये एक्सेप्टेबल नहीं है नहीं। आप भी दीन के अकाम को जानते हैं तो इस पहलू से, से इन शे मामला हम सुप्रीम कोर्ट में उठाएँगे अजुबैक साहब ये फरमाइए कि तोहन रसालत के, के मुजरम को अज खुद सज़ा देने पर तो कायद अज़म जैसा नामी ग्रामी जो वकील है वो भी गाजी आलमदीन शहीद को लिब्रेट नहीं करवा सका था तो हमारे वकला हजरात जो हैं ये इस कानून के तहत एक मतलब वैसा ही अमल मुमताज़ कादरी ने भी किया था कैसे पुरुद हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको लिबरेट कर देगी ब वसीम साहब सबसे पहले तो एक फ़र्क को मद्द रखिए वो ये कि जब वो केस था गाजीम्द्न शहीद का तो एक गैर मुल्की गैर मुसलमान हुक्मरान जो थे वो सगीर में वो मुसलत थे और उन्हीं का निज़ाम हुकूमत था उन्हीं का निजाम अदालत चल रहा था और उसके तहत भी जो उन्हें सज़ा दी गई अब बहुत फ़र्क है इसमें सबसे पहले तो देखिए मैं ये समझता हूँ अगरचे मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ और बहर उसके लिए तो आपने मद्दू किया है बड़ी ही मौजूद शख्सियत को और वो आपको बता रहे हैं कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं लेकिन ये एक बात तो है मैं यानी एक अमूमी हसीियत से इसको देखता हूँ एक आम आदमी की हसीित को देखता हूँ कि जब हमारे आयन में ये लिखा है कि नो लेजिस्लेशन विल बी डन कुरान तो एंड सुन्ना तो फिर बात तो खुद ख़त्म हो जाती है ये कैसा आयन है जिस पर ख़ुद अदालतें जो अमल नहीं कर सकती जब ये बात तय हो गई कि कोई कानून साजी नहीं हो सकती लिहाजा ये बात यूँ समझिए फितरी होनी चाहिए मंतकी होनी चाहिए कि वो तमाम कवानी जो शरीयत से जो सुन्नत से जो अल्लाह के अहकाम से मुतदम है वो खुद बुद ख़त्म हो जाता सर ये कौरिन जो शरीय के उससे मुतदम में ख़त्म तो होने चाहिए लेकिन किसी मुजरम को अज खुद सजा देना अदलिया की मौजूदगी में ये कैसा है देखें बात सुने एक सूरत हाल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए को इस्लामी रियासत कायम हो और उस ये कानून और उसका अमल दरामद भी उस पर हो रहा हो जैसे अगरचे हमारे यहाँ भी अगरचे टू नाइन्टी फाइव सी तो है लेकिन हम देखते हैं कि अमल दरामद होने के हवाले से आवाम उससे बिल्कुल मायूस है अवाम देखते हैं आज तक ना उस बुनियाद पर मुलजम पकड़े तो गए हैं क्या किसी एक को भी सज़ाए मौत हुई है मैं समझता हूँ मोहतरम जस्टिस साहब बेहतर बता सकते हैं मेरे मेरी इतला के मुताबिक अभी तक किसी एक शख्स को भी सज़ाए मौत नहीं हुई जब यह सूरत हाल हो तो अवाम के जज्बात तो आवाम को अपनी जज्बात पर कंट्रोल हासिल करना मुमकिन नहीं रहता इसलिए कि नबी अक्रम सलीसम की जात को कि माज़ल्ला आप किसी आम शख्स की ज़ात पर नहीं कर सकते कि आपको एक ख़ास इस्तना हासिल है यानी नहीं अंदाज़ा करी कीजिए कि जिस हसी जिस हस्ती के बारे में अल्लाह ताली कुरान पाक में फ़रमाता है कि इन ऊँची आवाज़ में बात इनसे ज़्यादा बढ़ कर इन ऊँची आवाज़ में मत बोलना तुम्हारे तुमाम माल ही हफ्त हो जाएंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके इसका इन इनका इसजा करने वालों से मैं खुद बदला लूँगा यानी एक जात है हम उन्हें इम्तना नज़ीर गर, गर्दानते हैं हम उन्हें फकीदुल मसाल समझते हैं लिहाजा किस तरह एक आम कानून उन पर लागू हो सकता है फिर ये कि जब हम मुसलमान हैं जब हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह और रसूल के अहकाम की पाबंदी करते करेंगे तो आपने देखा कि अभी फरमा रहे थे कि एक दर्जन के करीब तो ऐसे वाक़ नबी अक्रम अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुए कि लोगों ने आज खुद उनको मारा और आपने उनको उसको रेटिफाई नहीं किया आपने उस कानून को रायगां करार दे दिया कि वो खून जो है रायगां चला गया तो लिहाजा हमें तो सुनत वहाँ से ही लेनी है इसमें अलबत् कोई शक नहीं कि वाक्यता अगर कोई इस्लामी रियासत कायम हो और वाक़ता कोई ऐसी मसाल हो कि कहीं किसी ने अल्लाह के रसूल की, की तोह की और फ़ौर उसे सजा मिली हो तब तो कहा जा सकता है तब तो कहा जा सकता है कि ये क्यों इस शख्स ने क्यों मारा जब जब इस हुकूमत का इस निज़ाम का एक बायदा तसलसल तो है कि उसने हर शात में रसूल की गर्दन उड़ा दी हर शात में रसूल को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया तो इस शख्स ने क़ानून को क्यों हाथ में लिया फिर तो सा लेकिन जब हमारे सब सामने मसाले ये हैं कि हमने उस शरय कानून का, का बुरी तरह मज़ाक उड़ाया है हम इसका तो जो लोग फिर अपने जज्बात पर काबू नहीं जा सकते ज़ाहिर है हम इस चीज़ को हम भी इस चीज़ को अप्रीशिएट नहीं कर सकते कि लो कानून को हाथ में लें लेकिन आप देखें यह इस्तनाई मामला है और हुकूमत और मैं अदालतों का भी कहूँगा अदालतें भी इस मामले में गफ़लत का मुजाहरा कर रही है और वो काम नहीं कर रही जो उन्हें किया जाना चाहिए उसका नतीजा निकलता है कि लो कानून आप हाथ में लेते हैं अगर टू सी के का इतलाक़ मुकम्मल तौर पर हो चुका होता जितने शातम रसूल थे जिस जिसने भी ये ये जरूरत की उ, उ, हर शख्स को सजा मिली होती तो ये हो ये होता ही ना कभी ना होता जैसे साहब ये फरमाइए कि जैसे यूबेक साहब फरमा रहे हैं कि 295 सी के किसी भी मुजरम को आज तक सजा नहीं मिली क्या वाकई था ऐसा ही है जी मैं थोड़ी सी असलाह कर दूं जी आसिया मसी को सजाए मौत दो सी के तहत हुई है जी एग्जीक्यूट कह रहा हूँ जी और उसकी तोसीक हाई कोर्ट ने भी कर दी है ठीक है ये आम लोगों को नहीं पता

उनको पता है जो कि इस शोबे में काम कर रहे हैं मेरी टीम में वो शामिल हैं उन्होंने वो बताया था कि बाजों को और सजा हुई है एग्जीक्यूशन का मरला सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद आता है तो वो भी आ सकता है लेकिन मेरे भाई मिर्ज़ा यूब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर स्टेट खुद फ़ौर कार्रवाई करे तो फिर कोई कानून हासिल हाँ ठीक इस्लामी रियासत में दोनों सूरतें मुमकिन हैं हज़ूर की सुनत पाक की रोशनी में कि अगर आज खुद भी कोई मार देता है स्टेट की कार्रवाई से पहले तो उसको सजा मौत नहीं दी जाती हमने हाई कोर्ट में इस ज़मन में दो बातें उनके सवाल पर बयान की थी एक जज साहब ने पूछा कि क्या सरकार की हयात पाक के बाद खलफ़ा राशिदीन के दौर में कभी ऐसा हुआ कि आज खुद किसी को मार दिया गया हो और उसका ख़ून हदर करार दिया गया हो तो यहाँ वक्त की कमी के बायस एक मिसाल मैं जो वहाँ पेश की थी वो दोहराता हूँ उन्हें मैंने बताया कि हज़रत हज़रतमर के दौर में यमन के एक इलाके में एक गिरजे के करीब ओपन ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे उन्होंने दरख्तों से कुछ काट के लकड़ियाँ जैसे हॉकी की तरह खेल खेल रहे हैं बॉल के साथ तो अचानक बॉल को हिट लगी और बॉल उड़ कर मुलह का गिरजे में पादरी को जाकर लगी बच्चे दौड़ते हुए पीछे गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि पादरी साहब ये गेंद हमें दे दें उसने इनकार किया बच्चों ने अपने वो खेल के जोश में थे कहा कि देखिए पादरी साहब हम तो मुसलमान हैं हमारे नबी पाक का वास्ता हमें गेंद दे दूँ ये सुनकर उस पादरी ने हुजूर की शान में तोह की अब बच्चों ने एक लहजे में ये मुसलमान के खून में होता है नामोश रसालत का दिफा जिसके खून में नहीं है उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए बच्चों ने उन्हीं लकड़ियों के साथ हमला किया और पादरी को वहीं पर हलाक कर दिया अब यह वाक़ फ़ॉन रिपोर्ट हुआ हज़रत उमर हज़रतमर रजील्ला के पास ईसाई भी पहुँचे उसके वारिस भी उन्होंने किसास और मतबादल दियत का मुतालबा किया आपने कहा कि आज मैं बच्चों की इस कार्रवाई पर इतना खुश हूँ जितना इस्लाम की किसी फतह पर खुश नहीं जाओ तुम्हें कोई किसास भी नहीं दिलाया जाएगा ना दियत तुम इसका हक़ नहीं रखते हो इन इसका खून हदर है ठीक नाजरीन मुमताज़ कादरी केस के हवाले से बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद दुनिया में हो फिर उस ला कहीं से ढूँढ कर असलाफ का जगर वेलकम बैक नाजरीन जस्टिस साहब ये फरमाइए कि जब आप मुमताज़ कादरी का केस प्लीड कर रहे थे तो हाई कोर्ट में कई दफ़ा आपका जाना हुआ हमारे नाज्रीन के साथ अपने जज्बात शेयर करें कि उस वक्त आपके जज्बात क्या थे और इस केस के अहम नुकात क्या थे जिस पर आप बहस कर रहे थे जी जज्बात की हद तक मेरी कैफियत यह थी कि मैं एक बहुत बड़ा एजाज़ पाने वाला हूँ इस मुझे एजाज़ मिला है कि मैं एक आशिक रसूल के दिफा में उसकी ज़ुबान बनकर वहाँ बोल रहा हूँ माशा और पूरी कन्विक्शन से पूरे तक्कन के साथ मैंने कोर्ट में बहस की मैंने वहाँ कहा कि ये मेरे लिए कोई एक आम लिफाफा नहीं किसी मोकल का जिसे मैं ले कर कुछ किताबें ले कर पेश हो गया हूँ मैं पूरे यकीन से और अपने यानी कह लें कि ईमान की बुनियाद पर जो अल्लाह ने मुझे नसीब किया है उसके दिफा के लिए आया आप वैसे प्रैक्टिस तो नहीं करते केसेस आप करतेड नहीं करते प्रैक्टिस मैं यूँ कह लें सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ जी और बिलुमूम लोगों को फ्री एडवाइस देता हूँ ड्राफ्ट कर देता हूँ जी पैसा कमाने के लिए प्रैक्टिस नहीं लेकिन करता लेकिन इस केस में तो खास तौर पे आपने जी जो है अपनी तमाम तरतवानाइयाँ और इधर जो है वो लगाई हैं जी बिल्कुल अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा के लिए किया है बाकी पॉइंट्स जो हैं जी वो तकरीबन दस घंटे पर मुहित थे जी जो मैंने बहस चंद अहम जो हैं उस पर आप अगर हमारे अगर अगर नाजरन के साथ शेयर करें जी तो। देखिए हर फौजदारी केस की बुनियाद होती है एफ आई आर जी यानी इब्तदाई रिपोर्ट इसमें इब्तदाई रिपोर्ट मरहूम के मकतूल के बेटे ने लॉन्च कराई उसके अंदर जो सुकम है वो अदालत में हमने वाजे किए पहली बात तो ये कि ये उसकी उसने कहा कि मेरी तहरीर है जबकि ज़रा में ये बात साबित हो गई कि यह किसी पुलिस वाले की तहरीर है ठीक यानी पुलिस वाले की तहरीर से बिल्कुल मिलती है वो भी उसको दिखाई गई और पूछा गया तो उसने माना कि ये दोनों तहरीरें एक हैं और वो तहरीर एडमिटेडली पुलिस वाले की थी ठीक होया पुलिस ने खुद ही पहले इसकी तरफ से बनाकर ये शेयर रख ली थी अब अगला मरला ये था कि जो एफ़ आई आर पुलिस लिख लेती है वो कोई शहादत का हिस्सा नहीं कहलाती ठीक यानी लीगल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ लॉ जब तक उसकी तायद में पूरा बयान वो बंदा आके अदालत में न दे इब्तदा से लेके आखिर तक अब इसमें आखिरी हिस्से में उसने ये लिखा हुआ था एफ़ आई आर में कि कौमी उमूर पर मेरे वालद का एक मखसूस नुक़ँ नज़र था और मख्तलफ़ दीनी और सियासी जमातों की तरफ से उन्हें कत्ल की धमकियाँ मिल रही थी तो उनसे साजिश करके और उनके ईमा पर सलमान का को मार दिया मुमताज़ कादरी ने अब मैंने अदालत की तवज्जो दिलाई कि उसका बयान ज़रा देखिए आतिश तासीर ने जो अदालत में आकर बयान दिया है कि ये एफ आई आर एग्जिबिट पी बी ओवर वन मेरी तहरीरी दरखास्त पी बी पर लिखा गया है एंड दैट्स ऑल यानी वो नरेशन जो चाहिए थी ना बयान जी ऑन ओथ शुरू से आखिर तक वो है ही नहीं अब अदालत ने वहाँ माना कि हाँ इस सूरत में जो तइदी बयान है हलफ पर वो नहीं है तो इस तरह ये एफ आई आर तो साबित नहीं होती तो ये तो बुनियाद थी जो नॉकआउट हो गई अब उसमें जो उसने मोटि बयान किया था वो नॉकआउट हो गया यानी एप्लीकेशन उनके बेटे की तरफ से नहीं थी बल्कि पुलिस ने पहले से तैयार करके त्यार रखी थी उस पर एफ आई आर काटी गई जी उस पर जी ठीक और फिर ये भी साबित हो गया कि उसने तायदी बयान में कुछ भी नहीं कहा तो अब मोटिव भी साबित ना हुआ मगर अफसोस है कि इस जजमेंट में वो लिखते हैं कि जी मोटिव भी साबित है और जो सलमा उसका अपना बयान था मुमताज़ कादरी का उसमें भी उसने ये तो माना है कि मैंने मारा है लेकिन एतराफ़ी जुर्म नहीं उसने कहा मुबाउ दम को मैंने ख़त्म किया है इससे क्या हो कि इसका खून बहा देना या मार देना जायज़ था मुबा था शरीयत की रोशनी में और उसने उसमें बड़ा तफसीली अपना बयान वो अदालत में पेश किया रिटर्न भी अब ये सूरत हाल थी कि जो मोटिव या वज अनाद बयान की गई थी वही चार्ज में भी बयान की गई वही एफ आई आर की इस कॉपी में थी लेकिन तइदी बयान में कहीं भी नहीं है लिहाजा वो तो साबित ना हुई ख़त्म हो गई यहाँ पर इन्होंने जो लिख दिया है कि मोटिव साबित है ये सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे कि ऐसा नहीं है तो सूरत में एक खला के अंदर यानी वैक्यूम पैदा हुआ ना कि ये आखिर मारा क्यों फिर तो मुमताज़ कादरी के बयान को मानना चाहिए कि ये वजह थी उसने तोहनी रसालत की थी और वो मुबाउद था मैंने इस्लामी जो तलीमत हैं उनकी रोशनी में जिसको तमाम अमां मानते हैं उसकी रोशनी में मैंने उसको ख़त्म किया और मैंने जो कुछ किया दुरुस्त किया है देखिए इसमें बड़ा एक अहम हवाला हमने जो अदालत में पेश किया था उनके सवाल पर कि हज़रत इमाम जाफिर सदक जैसी अजीम हस्ती खाम रसूल से हैं और जो रूहे कानून को इस्लामी शरीयत को बहुत बेहतर जानते और समझते बेशक उन उन्होंने फ़रमाया ये वसायल शिया किताब थी उसका हवाला हमने दिया उन्होंने फरमाया कि तोहन रसालत करने वाला बंदा सबसे पहले जिस मुसलमान के सामने आए उसका फ़र्ज़ है कि उसे मार दे हाकिम के पास या अदालत में ले जाने जाए ज़रूरत ही नहीं ये उनका फरमान था लेकिन सर ये डिटरमिन कौन करेगा डिटरमिन कौन करेगा जी जरा इस पर वा... वाक़ उसने तोहन की या नहीं की जी पहले इस पर गौर कर लीजिए कि इतनी बड़ी हस्ती ने उसमें तखसीस नहीं रखी कि ही किसी के सामने आता है तो उसका फर्ज है कि उसको खत्म कर दे उसका जिंदा रहना अब जायज नहीं धरती पर हाँ उससे पहले अगर रियासत के इदारे उसको पकड़ लें कार्रवाई करें तो वो अपनी जगह बजा है लेकिन अगर वो नहीं कार्रवाई की गई तो फिर हर मुसलमान के लिए ये जायज़ है मैंने अदालत में ये नुक्ता उठाया था कि नामोश रसालत के, के हवाले से या हजूर की नस्बत से आम कवान सस्पेंड हो जाते हैं आम कवान जिसमें टेक्निकली एफ आई आर कराओ तफ्तीश कराओ ये करो ये भी सस्पेंड हो जाते हैं अगरचि हमारी बात पे तो ध्यान नहीं दिया गया और इस तरह ना उसको लिखा गया है ना उसको डिस्कस किया गया है यानी ये एक्ट जो है ये हाँ अब लॉ है जी ये एक्ट जो है लॉ है ये अब कोर्ट है महावर अदालत है जी कानून नहीं कानून से हमारी मुराद इस्लामी कानून है इसमें शामिल है और वो फैसले भी हमने पेश कराए कि पाक, पाकिस्तान में हकीकी मवसर और पॉजिटिव लॉ इस्लामी कानून है उसको पेश नज़र रख कर ये बातें हमने की हैं देखिए हरम पाक में किसी जानवर को मारना भी मना है खून बहाना ममानियत है नामोसन सालत की नस्बत से आपका अपना हुक्म है कि इबन कतल को अगर काबा के पर्दों में लिपटा हुआ पाओ तो वहीं पर हरम के अंदर उसको हलाक कर दो ये फता के वक्त फैसला आपका है जी एग्जैम्पन आई है कवानीन में इस्तना आ जाता है या जैसे मैंने कहा कि आम कवानीन सस्पेंड कर दिए जाते हैं यानी हजूर के नामोज़ के दिफा के लिए आपके हवाले से इबन कतल ने सोचा कि मुझे आज कहीं पना नहीं मिलेगी वो बैतुल्ला शरीफ चला गया वहाँ वो डिटेक्ट हुआ उसको पकड़ कर मकाम इब्राहिम पर ला के उसकी गर्दन उड़ा दी गई थी इसी तरह देखिए आम उस बहुत से सरकार वसलम ने ख़ुद तय फरमाए कि किसी को सुनकर फैसला किया करो समात के हवाले से आपके बहुत से फरामीन है अदालतों के लिए काज़ियों के लिए अब आपने उम्मत को तलकिन के कि, कि जान नामोस रसालत के दिफा का मामला आ जाए तो वो जो शातम है चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है उनको समात किए बगैर भी कत्ल किया जा सकता है देखिए काब अशरफ़ का मामला सामने है और बहुत सारे ऐसे वाक़आत हैं आपने सिर्फ फैसला सदर फरमाया और फिर कमांडो एक्शन के ज़रिए कहा कि उसको हलाक कर दो काबिल अशरफ को मार दिया गया एक ख़ास तरीके से उसको बाहर बुला के किले से वहाँ भी जो आम मुकदमे की समात का तरीक़ार है वो सस्पेंड कर दिया गया इसी तरह यहाँ भी ये बहुत टेक्निकल बात है कि डी एफ आई आर होनी चाहिए थी और ये होना चाहिए था होना मैंने अदालत के सवाल पर एक बात कही थी जिस पर उस तरह से बैस नहीं है इशारा है सिर्फ हल्का सा उन्होंने किया है मुझे उन्होंने ये पूछा कि आप बताइए कि कानून को ख़ुद हाथ में लेके कर यूँ मार देना ये कहाँ तक जाज़ है जायज़ है मैंने कहा देखिए उसने जो किया है ना मुमताज़ कादरी ने वो तो हो गया मामला जो मारे जाना था जिसने वो ख़त्म हो गया एक नुक़ः नज़र खालस इस्लामी है जिसके तहत ये जायज़ है दूसरा है कि इस दौर में जो कवानीन राय जैसे कि एफ़ आई आर होती और गिरफ्तार होता ही हो, वो नहीं हुआ चलिए यहाँ से चलते हैं फिर चलने के बाद अब आपके सामने मामला ये है कि एक जीता जागता शख्स आपके सामने खड़ा है मुमताज़ कादरी। इसके साथ आपने सलूक क्या करना है मैंने अदालत में ये खुल कर बात कही थी कि क्या ये सारे कवानी सिर्फ़ सलमान तसर के मफाद के लिए हैं या कि मुमताज़ कदरी के लिए भी हैं आर्टिकल चार दस्तूर का आर्टिकल नौ फंडामेंटल राइट कि नो वन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ मैं कि मुमताज़ कादरी को भी इसका तहफ़ हासिल है अब आपने ये तय करना है कि इसके साथ आपने सलूक क्या करना है उस पर अदालत ने एक सिर्फ ताज़ुब का इज़हार किया कि अजीब बात है कि उसको तो यूँ मार दिया ख़ुद और ख़ुद कानून का तहफ़ चाहता है भाई मैं तहफ़ इसलिए चाहता हूँ कि यही दस्तूर है जिस पर आप चाहते हैं कि अमल हो तो उस दस्तूर में जो मेरे हक में बातें हैं उनको तो मुझे उनका हक और बेनिफिट दो ना उसके अंदर ये क्लियर है कि तमाम जो मैन मेड लॉज़ हैं मुल्क में वो ताबे हैं इस्लामी कानून के इसी तरह चैप्टर 16 है पीपीसी का जिसमें दफ़ा 302 भी आती है उसमें एक दफ़ा तीन सौ अठतीस एफ़ है उसमें लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के तहत तमाम जो मामल के फैसले होने हैं उनमें उनको कवानी को इंटरप्रेट करते हुए या अप्लाई करते हुए द कोर्ट शेल बी गाइडेड बाई द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट उस पर फिर हमने ये सारी जो शरीयत की बातें पेश की हैं लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उनको उन बातों को साइड ट्रैक कर दिया एक और बात जिस पर मुझे कुछ हैरत हुई कि अदालत ने इस फ़ैसले में ये लिख दिया है कि ये बात साबित नहीं होती कि सलमान तासीर ने ये ब्लैक लॉ कहा है अब ये बात अदालत में जिस तरह बहस हुई थी उसमें तो बात साबित हमने अपने तौर पर की बिल्कुल तो उसके उसके बयान ऑन रिकॉर्ड हैं उसके वीडियोस मौजूद हैं जी वो चीज़ें असल में मुकदमे के रिकॉर्ड पर नहीं हैं तो आपने ये रिक्वेस्ट नहीं की अदालत से कि उसको मुकदमे के रिकॉर्ड पर लाया जाए जी वो इसलिए नहीं मुमकिन हुआ कि वो एडिशनल एविडेंस की कोई एप्लीकेशन दे के कोशिश हम करना चाह रहे थे लेकिन वो जो मुतलका लोग हैं ना जिन्होंने वीडियो बनाई वो ट्रेस नहीं हुए

लेकिन उसका हमने जवाब बहरहाल दिया मौजूदा शक्ल में भी जब ये पूछा गया कि इसका एविडेंस क्या है तो उस वक्त मैंने ये वाज़ किया कि एविडेंस चाहे इसत के बयान में आ जाए चाहे डिफेंस में आए वो जब पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन गया तो वो एविडेंस है तो मैंने तोज् दिलाई अदालत की कि तफतीशी अफसर जो कि बेहद अहम गवाह होता है वो इस केस में हाकम खान पी डब्ल्यू चौदह हैं उसने अपने बयान में ये तस्लीम कर लिया कि मुमताज़ कादरी ने मकतूल को इसलिए मारा क्योंकि उसने तोहनी रसालत की थी और उसने ब्लास्फेमी लॉ को ब्लैक लॉ कहा था पूरे फैसले में उसका हवाला ही नहीं मुझे उस पर हैरत हुई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था आप एक कितने बड़े हिसास और तारीखी केस का फ़ैसला कर रहे हैं कम से कम हमारी जो दलाइल हैं उनको सही तरह लिखें सारे फैसले को पढ़ के यूँ लगता है कि हर हर बात को बड़ी काविश से प्रासिक्यूशन के हक में मोड़ दिया गया है और जो हमारे हक़ में बातें हमने कही हैं खुल कर उनका इंदराज को ही कोई नहीं है ये ये बड़ी हैरत की बात अब ये जो तस्लीम उसने कर लिया उसके बाद इसतास के पास एक ही रास्ता था कि उसको मुनहरफ गवाह करार दे देते कि इसने इसतगा को डैमेज कर दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ी एडमिशन थी उसने जो बयान में कही कि गवर्नर ने तो ने रिसालत की थी जिस पर इसने मारा है मुनरफ नहीं करार दिया गया मुनरफ करार दे के अगर इसतासा उस पर जरा करता ना तो फिर उसके बयान की अहमियत और वजन कम हो जाता ऐसा नहीं हुआ इसके साथ फिर हमने उन्हें तवज्जो दिलाई कि यहाँ अब आप जब मोटिव साबित ही नहीं हुआ इस केस में जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया तो जो बात ये कह रहा है मुमताज़ कादरी उसको साथ इसके पढ़ो अब कि तोह रिसालत करने पर मैंने मारा तायद इसत का अपना गवाह कर रहा है फिर मैंने कहा कि वो जो अखबार पेश की गई हैं दो उसमें अगर दो सौ पचानवे सी का पर्चा दर्ज होकर ये साबित करना मतलूब होता कि इसने ब्लैक ला कहा है तो फिर प्रेस के लोगों को कॉल करना ज़रूरी था यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर ये बात हो रही हो रही होती डिफेंस का काम तो इतना ही है कि वो एक इम्कान बता दे रीज़नेबल कि ये यूँ हुआ था असल में मामला हमने जो अखबार पेश कर दिए ये अब तायद कहाँ से मिल रही है इस का गवाह पी डब्ल्यू चौदह मान रहा है ये फ़ौर अपनी गिरफ्तारी के बाद बयान यही देता है कि मैंने एक शातम रसूल को मारा है इसने अपने बाकी साथियों को जब कहा ना कि मुझ पर फायर ना करना सारे साकििन रहे हती के गवर्नर का गन मैन नदीम आसिफ उसने भी इस पर फायर नहीं किया आखिर उसकी ड्यूटी क्या थी सारे को प्रोटेक्ट करना ऐसा लगता था जैसे कि सारे इस पर मुतमन हों और हर एक को पता है कि वह क्या कुछ कहता रहा है उसके बाद मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने बाज़ फैसले हैं कि अगर एक बात किसी शख्स की तरफ से अखबार में छपी हो मनसूब भी हुई हो और वो मरते दम तक उसका इनकार न करे तो उसको दुरुस्त समझा जाएगा हमने उन अखबार पर इसार किया तो अब इन तीनों की रोशनी में ये साबित है कि उसने तोहिने वसालत की ब्लैक लॉ का हाथ ठीक तो यही बात इन शाह हम सुप्रीम कोर्ट में भी खोल कर बयान करेंगे ठीक बाकी एक और बात बड़ी अहम है पूरे मुकदमे में बहस के दौरान नीयत के हवाले से कोई बहस ही नहीं हुई नीयत से मुराद के उसकी कत्ल करने की नीयत थी या नहीं नहीं जी जी के ये जो तोहिन रिसालत का जुर्म है जी। दो सौ पचानवे सी की शक्ल में है या इस्लाम में चौदह सदियों से जाना जाता है कहने वाले की नीयत क्या है इस पर कोई बहस नहीं हुई अच्छा लेकिन सात के या आठ सफ़े लिखे हुए हैं जज साहब ने नीयत साबित करना जरूरी है यानी गवर्नर ने जो बयान दिया उसकी मतलब नीयत पे कोई बहस हुई नहीं सिरे से जी यानी तोहन रसालत का ये हिस्सा नहीं है नीयत ठीक लेकिन फैसले में सात आठ सफात हैं सात आठ सफात लिखे हुए हैं देखिए दो सौ पचानवे सी को पढ़ें, उसमें नीयत का कोई हवाला नहीं ठीक हाँ, इब्तदा ये होती है कि हुईल्स दी सेक्रेट नेम ऑफ दी प्रॉफिट यहाँ इंटेंशनली डिफाइल नहीं है इसमें नीयत का एतबार नहीं ये जो जुर्म है ये मुतलक जिम्मेदारी का जुर्म है एब्सोलूट लाइबिलिटी बात मुंह से निकली तीर की तरह निकल गई अब उसकी intention नहीं. कुछ भी थी कुछ भी हो वहां पर रेलिवेंट ही नहीं है ठीक। और इस पर अदालत में कोई ही नहीं हुई क्योंकि दो सौ पचानवे सी में इंटेंशन है ही नहीं और ये हमें ताजुब हुआ कि वो सात आठ सफ़े उस पर लिख दिए तो मैंने लॉ इस पे क्लियर है जब लॉ इस पे क्लियर है तो फिर सात आठ सफ़ात में उसकी इंटेंशन कैसे इन्होंने साबित की कि उसकी ये नीयत थी ही नहीं जी बस उन्होंने तौर पर लिखा है कि नीयत साबित किए बग़ैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा नाजरीन जस्टिस साहब मुमताज कादरी केस के अहम निकात जो है वो बयान फरमा रहे थे इसी केस पर बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद विल बी बैक। की बिना दुनिया में हो फिर उस ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का वेलकम बैक नाजरीन जस्टिस साहब वक्फे पर जाने से कबल आप नीयत का जो जिक्र आया फैसले में मुमताज़ कादरी केस के फैसले में जो नीयत का जिक्र आया और आपने फरमाया कि सात आठ सफहत सिर्फ नीयत पर बहस की गई है उस हाले से आपको किताब का रेफ्रेंस देना चाह रहे थे जी ऐसा है कि मुझे मौक़ा मिला एक हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद इसमाइल कुरी साहब ने नामोस रसालत पर एक किताब लिखी है लेकिन उसमें भी उन्होंने एक गलती का इरतक किया कि कई जगह ये लिख दिया कि इस्लाम में तमाम जराइम में नीयत का होना ज़रूरी है, के रिसालत के के जुर्म में भी इसकी इस पर मैंने उनकी गिरफ्त की और एक मजमून लिखा था दो सौ पचानवे सीते पे एक मुक़दस क़ानून ये मजमून एक रिसाला है अनमार रज़ा उसके एक ख़ास नंबर में छपा ये किताब है जी जो मैंने अदालत में पेश की थी और उसमें तवज्जो दिलाई थी एक तो जो वो आयात क़ुरान पाक की जो बुनियाद हैं नाम तोहन रसालत की सज़ा के हवाले से और बाकी सारी बहस इसमें नीयत के हवाले से है और इसमें मैंने वाजे किया कि दो सौ पचानवे सी में नीयत गैर मुतल है ख़ास तौर पर जहाँ अल्फाज सरी हों व हों वो तो तयन बड़ी आसानी से हर इलाके का बंदा कर लेता है कि यह सब व शतम है या नहीं गाली क्या है ये किसी को बताने समझाने की ज़रूरत नहीं होती तो उसका खैर फ़ैसले में तो कोई हवाला नहीं लेकिन ये नुकतः नज़र शरीयत की रूह से गलत है अगर अल्फाज बिल्कुल वाज ना हो दौरे नब्बी से इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं आप जी दौर नबी से इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं अपनी बात की दौरे नबी से देखिए ना जितने केसेस वहाँ पर आए थे सरकार के सामने उसमें शतम वाले अल्फाज बयान नहीं किए गए थे ना ही आपने पूछा बल्कि इतना ही काफ़ी है कि एक मुसलमान को यकीन है कि जो कहा गया वो तो इन्हें रसालत है और आपने खून हदर करार दिया और यही आप का तरीक़ था अब काजी अयाज ने अपनी किताब अल शिफा में सब शतम के कई अल्फाज दर्ज किए हैं उसमें हल्के अल्फाज कोई अगर बिल्ला सरकार के लिबास पाक को कह दे कि आपका लिबास मेला होता था तो ये तोहहींन है और इस पर भी कत्ल है कोई कह दे कि हज़ूर को कद्दू पसंद थे लेकिन कद्दू शरीफ मुसलमान बोलते हैं कद्दुशरीफ़ कह दे। लेकिन मुझे तो पसंद नहीं ये भी तोहन है और इस पर भी कतल की सज़ा है तो इस तरह के अल्फाज वज़े किए हुए हैं हमारे मुद्दसन और मुफसरीन ठीक अयुबेक साहब ये फरमाइए कि हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है इस पर अवामी रद्द अमल जो है वो ना होने के बराबर है आप क्या समझते हैं कि हमारा जो सेकुलर तबका है वो दो सौ पचानवे सी का जो कानून है उसको ख़त्म करवाना चाहता है जबकि मजहबी तबका इसको एज इट इज़ बरकरार रखना चाहता है आपके ख्याल में ये कानून तब्दील होना चाहिए या नहीं देखिए सबसे पहली बात यह जो आप कहते हैं कोई रद्द अमल सामने नहीं आया असल में बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस इस फैसले को मीडिया ने ख़ास और आजकल आपको मालूम है लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही को मीडिया समझते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ख़ास तौर पर इसका इस इसका बाइकआट किया इसका कोई जिक्र नहीं किया जहाँ तक आप कभी रहते आप फरमाते हैं कि रद्द अमल नहीं आया मैं समझता ये बजात ख़ुद एक रद्द अमल है मेरी राय में हमारे पाकिस्तान की तीश तो है जो क्यों नहीं आया मैं अर्ज़ करता हूँ पाकिस्तान के आवाम ये समझते हैं कि मुमताज़ कादरी को सज़ा देना हुकूमत के अदालत के बस की बात ही नहीं ये मुमकिन ही नहीं है ये ये सजा ये दे नहीं सकते इसलिए एक खामोशी का मामला है गुर अगर खुदा न खास और क्योंकि वो तो करते हैं अवल तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिवर्स होगी ना हुई तो सदर के पास इख्तियार है अगरचे इख्तियार गलत है लेकिन बहरहाली इख्तियार एक, एक तो है तो सही ना इख्तियार है कि वह सजाए बहुत को उम्र कैद वगैरह में बदल सकता है तो हमें मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को मुसलमान पाकिस्तानियों को यकीन है कि ये इसको एग्जीक्यूट ये सजा नहीं हो सकेगी लिहाजा ये खामोशी इस बात का यकीन है इस बात के हवाले से एक इतमाद है एक कॉन्फिडेंस है कि ये बात मुमकिन डालते हैं उसके खिलाफ फैसले दे रही है कौन मतम बैठी है ये मैं समय, तो आप देखेंगे कि अगर खुदा न खास्तुता खुदा न खास्तान मेरे मुँह में खाक अगर ये एग्जीक्यूट की तरफ मामला गया तो आप फिर रद्दमल देखिएगा ये इस इतम का इजहारा है कि ये हो ही नहीं सकता एक में रसूल के कत्ल करने वाले को सज़ाए मौत दी नहीं जा सकती ये मुमकिन नहीं है कम से कम देखिए अहले पाकिस्तान के बारे में मुसलमान पाकिस्तान के बारे में एक राय रखता हूँ कि अगरच इनकी अमली तौर पर इस्लाम से वो ताल्लुक़ नहीं है जो होना चाहिए नमाज रोज़ा तक वो तमाम मुसलमानों पर फर्ज नहीं पढ़ते बाकी बातें तो उसके बाद में आती हैं लेकिन जज्बाती हवाले से अगर आप मुसलमान बर की तारीख देखें तो ये इतनी जज्बाती हैं इस्लाम के बारे में दीन के बारे में और अल्लाह के नबी के बारे में के सल्ला वसल्लम कि ये मुमकिन नहीं।, नहीं वो सोचते नहीं उनके जेन में ये बात आने को तैयार नहीं वो ये बात कबूल करने को तैयार नहीं कि किसी छात में रसूल के को को वासिले जहन्नम करने वाला जो है शख्स वो मुबारक शख्स व उसको सजा दे सकती है लिहाजा मैं समझता हूँ ये उस इतमाद की निशानी है कभी तक अवाम की तरफ से कोई ऐसा रहना नहीं आया अगर ये गए अगर ये हकूमत या अदालतों की बदकिस्मती होगी कि वो इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं तो आप देखेंगे किस तरह पुरजोश के सम का रद्दे मिलते जस्टिस साहब मुमताज़ कादरी को आज चार साल दो माह और ग्यारह दिन हो गए हैं कि वो कैद में है अदालत उसे सजाए मौत दे चुकी है आप उसके वकील हैं ये फरमाइए कि इस वक्त मुमताज़ कादरी का मुराल कैसा है इस अज़ीम इंसान नाशिक रसूल का मरैल इब्तदा से आज तक इंतहाई बुलंद है माशा उसकी कैफ़िया शानदार हैं पहले दिन ही उसने डट कर ये कहा था कि मैंने एक शातम रसूल को मारा है तुम मुझ पर फ़ायर ना करना ऐसा लगता था कि उनका अफ़सर है वो एक रूहानी तौर पर उन पर रोप तारी हुआ और किसी ने इस पर फायर नहीं किया अब जब फैसला आया है तो वो उसने आलम बजट में आके जेल में रक़ किया खुशी का इज़हार किया सरकार की नातें पड़ी और फ़ौर अपने अहल खाना जो आए थे उनमें मिठाई तकसीम की और पूरे जेल में मिठाई तकसीम की ख़ुशी के आलम देखिए मुमताज़ का आदि सच पूछें ये एक फ़र्द का नाम नहीं ये एक जज्बा है ये एक तहरीक है ये एक इश्क रसूल का समंदर है इसको कोई रोक नहीं सकता ये उम्मत मुसलमा चौदह सदियों से इस कैफियत में जी रही है और कभी भी अपने नबी की शान पर और उनकी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देती जाने लोगों ने कुर्बान की है जहाँ जहाँ इनका बस चला है कुछ बातें इनके इख्तियार से जो बाहर होती हैं वहाँ कम अज़ कम ज़ुबान से बुरा ज़रूर कहते हैं और लोग कह रहे हैं इस केस के फ़ैसले के बाद भी बड़ा रद्द अमल अदालत के बाहर ज़ाहिर हुआ था फौरी तौर पर और हमने आमदन वकला ने उनको ख़ताब नहीं किया ताकि हम आराम से अपनी कानूनी कार्रवाई करें उसकी तैयारी करें अभी लाहौर में जो एक मीनार पाकिस्तान पर ज़बरदस्त इज्तम हुआ है वो भी र, अवामी रद्दे अमल है लोग अभी मंतज़र हैं कि कानून क्या करता है क्या रास्ता इख्तियार करता है जैसे मेरे भाई मिर्ज़ा युबेग साहब ने फरमाया लोग अभी इस वजह से भी देख रहे हैं उन्हें यकीन है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है और वो अदालत की तरफ देख रहे हैं वो कला की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं से हमें उम्मीद है, यकीन है इन ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा ये फरमाइए कि मुमताज़ कादरी इस वक्त आम कैदियों की तरह रह रहा है या डेथ सेल में है इस वक्त जी इस वक्त तो डेथ सेल में है जब से ये फैसला आया जब से फैसला आया है क्योंकि सजाए मौत को कन्फर्म किया गया है जी तो जब आप अपील करेंगे और फिर वो आ, उस वक़्त तक उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वो डेथ सेल में ही रहेगा जी वो डेथ सेल में ही रहेगा तो अगर सुप्रीम कोर्ट अदालत उसकी सजाए मौत को सस्पेंड कर दे तो फिर उसको कोई सहूलत मिल जाएगी मुझे। तो आप क्या समझते हैं इस इस टेन्योर में जब वो उसको बिल्कुल अकेला बंद कर दिया गया है तो उसका मोरल जो है वो डाउन नहीं हो जाएगा कतन नहीं मरैल उसका नहीं पहले वो तमाम कैदी साथियों से मिलता था जैसे आप फरमा रहे हैं कि नाज शरीफ पढ़ता था दरुद इस्लाम वो सारा था तो क्या अब अब क्या सूरत हाल है जी उस पर बिल्कुल कोई मायूसी कमज़ोरी के आसार कतन नहीं है चाहे वो डेथ साल में उसको रखें जितना अरसा चाहे रखें उसमें वहीवत वही जिंदगी और ताबिंदगी है इन शह इसी जज्बे को वायम रखेगा तला यही जज्बा जो है वो कायम रखे जस्टिस साहब और मिर्जा यूबेक साहब खिलाफत फोरम में तशीफ तो अबरी का बहुत शुक्रिया शुक नाज्रीन ये था आज का प्रोग्राम करंट इशूज़ के बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए देखते रहिए खिलाफत फोरम इस प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारा एड्रेस है मीडिया एट तनजीम डॉट ओ आर जी खिलाफत फोरम के अगले अपिसोड तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़ दीजिए अल्लाह ने के बाद